अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में आलू मैंने लिए हैं 2, बैंगन 1 है, 1 कप पालक है, 1 शिमला मिर्च है, प्याज 1 है, 3 से 4 अदरक हरी मिर्च है। मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 2 टीस्पून नारदाना है। मैदा मैंने लिया है 2 टीस्पून, 1 कप बेसन है, पानी हसब जरूरत। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें बैंगन डाल देंगे, उसके बाद आलू शामिल कर देंगे। आलू और बैंगन जब भी आप कटिंग करें इसको पानी में डिप करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। शिमला मिर्च है हमारे पास, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदरक हरी मिर्ची है जिसको हमने ब्रीक कटिंग कर लिया था, 1 प्याज है जिसको ब्रीक कटिंग कर लिया, 1 कप पालक है हमारे पास, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों में 1 टीस्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है और 2 टीस्पून नारदाना है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे, मैदा मैंने 3 टीस्पून लिए। अब इसमें हम बेसन शामिल करेंगे, बेसन हम उतना इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पानी हम बाद में ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा बेसन हम इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे। हम पानी शामिल करेंगे, पानी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी नहीं ऐड करना। मिक्सर हमारा तैयार हो गया है, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने पकौड़े ऐड करते जाएंगे। एक से 1.5 मिनट के लिए हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको रेस्ट देंगे, इसके बाद हम चम्मच को चलाएंगे। हम चम्मच को साथ चलाएंगे ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो चारों साइड से गोल्डन कलर आ जाए। गैस मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम से लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। फुल हाई स्पीड पे आप हाई फ्लेम में आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। 6 से 7 मिनट में पकौड़े हमारे रेडी हो जाएंगे। तैयार हो गए हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पकौड़े मैं निकाल लूंगी और इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा हमारा तैयार है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, अफ्तारी में इसको ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू हुआ तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।